नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन एक अहम जानकारी जो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। हाँ, उन लड़कियों के लिए जो बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं, उन लड़कियों के लिए जो घर से दूर रहती हैं, कहीं पर किराए पर उन्होंने कमरा ले रखा या फिर हॉस्टल में रहती हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करके उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो उनकी दोस्त या फिर उनके करीबी लोग बाहर रहते हैं। क्योंकि उदयपुर की ये घटना ने कई सवाल देखिए खड़े कर दिए। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे हैं जहां पर एक शख्स अपना 2 BHK का फ्लैट लड़कियों को देकर रखा था। जब वो छुट्टी पर गई तो उनके कमरे में इत्मीनान से जाकर उसने कैमरे सेट कर दिए, वो भी कैमरे ऐसे जगह जो कि पता भी ना चला, बल्ब के होल्डर के अंदर, एग्जॉस्ट के अंदर। इसके अलावा कई ऐसी जगहों पर वो कैमरे को सेट किया जिसे बड़े आराम से वो देखा करता था कि लड़कियां कर क्या रही हैं, और उसने मोबाइल में ऑनलाइन भी सेट कर रखा था। यही नहीं, कैमरे के अंदर बकायदा मेमोरी कार्ड भी हुआ करती थी जो कि हफ्ते दो हफ्ते का उसमें पूरा जो है रिकॉर्ड जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहता था। लेकिन आइए बता रहे हैं कि आखिर क्या करें आप ऐसे में, अगर आपको पता चले कि आपके कमरे में भी कैमरा इस तरह से लगाकर कोई निगरानी कर रहा है। क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी को भी अधिकार ये नहीं है हमारी मर्जी के बगैर कि वो हमारी तस्वीर खींचे या फिर हमारी निगरानी करे। ऐसे में आपको पूरा अधिकार है कि आप कानूनी कार्रवाई उस पर आप करें, एक्शन लें आप। क्योंकि उदयपुर में लड़कियां गई थी पढ़ाई करने के लिए, छुट्टियां हुए अपने घर वो चली गई, तो मकान मालिक जो है डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट को खोलकर उसके अंदर कैमरे उसने पूरी इंस्टॉल कर दिया हर एक कमरों में, बाथरूम में। फिर अचानक क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गया और मरम्मत के दौरान बेडरूम और बाथरूम में कैमरा लगे होने का खुलासा हुआ, लड़कियों को पता चल गया। फिर उसके बाद जो है अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया 15 मई तक के लिए। लेकिन पढ़ाई और जॉब के सिलसिले में जो लड़कियां घर से दूर रहती हैं, आखिर वो सुरक्षित कैसे हैं, ये सुनिश्चित अब आपको करना है। क्योंकि आप कैसे जाने कि आपके कमरे में कैमरे लगे हैं या नहीं, ये आज के दिन हम आपको बता रहे हैं इस पूरी वीडियो में। सबसे पहले देखिए कि 2 BHK का फ्लैट था, एक कैमरा बाथरूम में लगाया गया, एक एग्जॉस्ट में लगाया गया और एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर कैमरा लगाया गया था। कोई जान भी नहीं सकता कि आखिर ये कैमरा कैसे लग गया इसमें। आप नग्न आंखों से देख भी आप नहीं सकते कि हाँ यहाँ पर कैमरे भी लगे हैं। 2 कैमरे अलग अलग रूम के बल्ब होल्डर में लगा दिए गए, मतलब कि बल्ब आप ऑन करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कई कैमरे तो ऐसे होते हैं जो कि एकदम अंधेरे में भी बड़े आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके कमरे में हो रही गतिविधियों को, आपकी चीजों को। मोबाइल में ऑनलाइन कनेक्ट करके जो राजेंद्र नाम का शख्स है उस कैमरे को रखता था और हर समय देखता रहता था कि आखिर लड़कियां कर क्या रही हैं कमरे के अंदर, बाथरूम के अंदर, किचन के अंदर। लेकिन खुफिया स्पाई और हिडन कैमरा होता क्या है, सबसे पहले आज के दिन ये आप जानिए। क्योंकि हॉस्टल में, होटल में, बाथरूम में, चेंजिंग रूम में, कई जगहों पर इस तरह के कैमरों को छिपा कर लगाया जाता है और बाद में आपने देखा होगा कई बार तो ब्लैकमेलिंग के केस भी सामने आते हैं। अब क्या है कि स्पाई कैमरा नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं देता, तो आखिर हम देखें कैसे, ये अब सवाल लोगों के जहन में होता है। स्पाई कैमरे में अक्सर क्या होता है, इंफ्रारेड यानी कि IR यानी कि ब्लास्टर लगे होते हैं जो इन्हें अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग करने में देखिए बहुत मदद करते हैं। कोई भी इंसान अपनी आंखों से IR लाइट्स का पता नहीं लगा सकता, हम आप देख नहीं सकते अपनी नॉर्मल आंखों से। यही वजह है कि इन कैमरों को अंधेरे में आप नग्न आंखों से देखना भी असंभव है पूरी तरह से। मोबाइल कैमरे यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से इस लाइट्स का हालांकि देखिए पता लगाया जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैमरा कहाँ कहाँ पर छिपा हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी बारीक चीजें हैं जहाँ पर ये कैमरे लगा दिए जाते हैं। ये देखिए अब आज के दिन आप जानिए, क्योंकि एयर फिल्टर जो इक्विपमेंट होते हैं वहां पर ये कैमरे लगाए जा सकते हैं। किताबों के किनारे हो सकता है, आप होटल में आप जाते हो वहाँ पर कोई किताब रखी हो या फिर कमरे के अंदर पहले से हो उसमें कैमरे लगा दिए जाते हैं। दीवार पर कोई भी चीज़ अगर सजी हो तो उसके अंदर कैमरे लग सकते हैं, उसके बाहर लग सकते हैं। घर के अंदर अगर पौधे लगे हैं तो वहाँ पर भी कैमरे लगा दिए जाते हैं। स्मोक डिटेक्टर में भी लगा दिए जाते हैं यानी कि सिगरेट के बॉक्स में, यानी कि खिलौने में भी लगा दिए जाते हैं, डिजिटल TV बॉक्स में, हेयर ड्रायर में, कपड़ों में, जूते में, देखिए कहाँ कहाँ पर कैमरे छिपे हो सकते हैं। इसीलिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। पेन के अंदर, टिश्यू बॉक्स के अंदर, घड़ी के अंदर, और यही नहीं इलेक्ट्रिक टूथब्रश के अंदर, सिगरेट बॉक्स के अंदर, जैसे कि हमने जिक्र किया आई कार्ड के अंदर भी कैमरा छिपा हो सकता है। कई बार लोग आपके सामने आई कार्ड लटका कर बैठते हो सकता है, आपको ये लगता हो कि नॉर्मल है, नहीं उसमें भी कैमरा लगा हो सकता है। टाई के अंदर भी कैमरे बड़े आसानी से लगाए जा सकते हैं, जो यहाँ पर नॉट हम बांटते हैं उसके अंदर भी कैमरे कई बार छिपे रहते हैं। लेकिन अब कहीं पर भी अगर आप ठहरे तो किन बातों का ध्यान रखें ये जानना देखिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आप किराए पर कमरे लेते हैं तो फिर सबसे पहले आप क्या करिए, अपने लेंस को आप सामने की तरफ रखिए कैमरे की और उसके लाइट को ऑन करिए और कमरे का जो है दरवाज़ा बंद कर दीजिए, एकदम अंधेरे में आप पता आप लगा सकते हैं।
लेकिन कुछ बातों पर देखिए नजर आप डालिए क्या हम कहने जा रहे हैं, क्योंकि किराए पर अगर आप मकान ले रहे हैं तो आसपास के लोगों से भी आप पूछिए बैकग्राउंड के बारे में जानकारी आप लें कि आखिर इस मकान मालिक का पुराना रिकॉर्ड कैसा रहा है। यही नहीं, हॉस्टल के केस में जो वहां पर पहले से लड़कियां रह रही हैं उनसे भी आप पूछिए कि यहां पे कहीं पहले कोई इस तरह की घटनाएं तो सामने नहीं आई हैं। होटल और अगर फर्नेस और अगर आप किराए पर मकान अगर आप ले रहे हैं तो फिर सेट ऑफ बॉक्स में और गेट के हैंडल में, घड़ी में, स्मोक डिटेक्टर में, और यही नहीं बाथरूम में लगे मिरर में, खिड़की पर और नल पर, इन सबको आप अच्छी तरह से चेकअप करके ही वहां पर आप होटल या कमरे अपने आप टूर और ट्रेवल के समय फर्जी वेबसाइट से कमरा होटल बिल्कुल भी बुक अप ना करें। अगर आप मान लीजिए किसी फर्जी वेबसाइट से आप बुकिंग आप कर लिया और होटल के अंदर कमरे के अंदर कैमरा अगर लगा रहा तो फिर वहां पर भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन पता करने का तरीका देखिए जानना बहुत जरूरी है। अब यही हम आपको बताएंगे, क्योंकि पर्दा लगाकर लाइट्स बंद करके अगर आप जांच करें कि कहीं रेड या ब्लू लाइट तो नहीं जल रही है, जब आप किसी कमरे में आप ठहरे हो तो पर्दा आप गिरा दीजिए, एकदम अंधेरा आप कर दीजिए और बहुत बारीकी से आप देखिए कहीं पर रेड लाइट या फिर कहीं पर ब्लू लाइट तो नहीं जल रही है, इससे भी आप पता कर सकते हैं। फिर अगर जल रही है तो समझ जाइए वहां पर कैमरा लगा हुआ है। यही नहीं, आगे देखिए क्या हो सकता है, कमरों में अगर हल्की हल्की कोई आवाज आ रही है तो ध्यान लगाकर सुने। कुछ कैमरा क्या है कि मोशन सेंसिटिव होता है, हलचल से भी ऑन हो जाता है। जब आप किसी कमरे में जाएंगे और आप कदम आप रखेंगे, कई कैमरे ऐसे होते हैं कि किसी के मूवमेंट से वो अपने हरकत में आ जाते हैं, फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप कान लगा के सुनिए, हो सकता है कि पता चल जाए, उसकी आवाज़ बहुत धीरे धीरे सुनाई देती है। लेकिन खुफिया कैमरा पता लगाने के लिए आप क्या करें, उस पर एक उंगली रखें, अगर आईने पर उंगली अगर आप रख रहे हैं और अगर कोई अगर गैप अगर दिखाई देता है तो समझिए कि वहां पर गैप अगर नहीं है तो यहां पर कैमरा नहीं है। उंगली लगाकर आईने के सामने भी आप चेकअप कर सकते हैं। यही मोबाइल के प्ले स्टोर पर आप जाइए, सबसे आसान चीज़ है, मोबाइल के प्ले स्टोर पर आप जाइए, हिडन कैमरा डिटेक्ट करने वाली स्पाइसी यानी कि स्पाई डिटेक्टर जैसे कई ऐप हैं, एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। रिव्यू देखकर किसी एक को फोन में डाउनलोड आप कर रहे हैं, रिव्यू पहले देखिएगा कि लोगों ने डाउनलोड किया है कि नहीं, लोगों ने कमेंट किया क्या है रिव्यू में, क्योंकि कई बार फर्जी ऐप भी आप जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके फोन को भी खतरा हो जाता है। वहीं ज्यादातर कैमरों में देखिए ब्लूटूथ या वाईफाई होता है, ब्लूटूथ या वाईफाई ऑन करके भी आप चेक कर सकते हैं कि कैमरा लगा है क्या, तुरंत आपको पता चल सकता है और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी है या नहीं। लेकिन अब देखिए अब एडवोकेट क्या कहते हैं, क्योंकि एक अविनाश गोयल एडवोकेट हैं, वो कहते हैं कि किसी भी आदमी को अगर ऐसी जगह खुफिया स्पाई कैमरा अगर दिखाई देता है तो तुरंत वो पुलिस में शिकायत वो दर्ज करा सकता है। यही नहीं, आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट 66E के तहत अगर ऐसे मामलों में आप FIR अप करिए फिर उसके बाद 3 साल की जेल हो सकती है, 2 लाख तक का फाइन भी भरना पड़ेगा जो भी आप ऑनर है अगर इस तरह के काम करता है तो। बिल्कुल हिचकिचाइए मत, तुरंत थाने आप पहुंच जाइए। लेकिन अब देखिए क्या आपको याद रखने की जरूरी बातें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या है कि कोई आपके दखल थोड़ी दे सकता है, राइट टू प्राइवेसी होती है कुछ, और राइट टू प्राइवेसी ये कहती है कि हमारे संविधान के मुताबिक हमारी जिंदगी में जो भी प्राइवेसी है, जो हमारे निजी पल है, उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। यानी कि आर्टिकल 21 जिसका जिक्र मैं शुरू में किया अभी कर रहा हूँ, जिसके तहत कोई भी हमारी और आपकी मर्जी के बगैर तस्वीर नहीं खींच सकता और वीडियो नहीं बना सकता और उसे कहीं पब्लिश भी नहीं कर सकता, यानी कि आपसे पूछ कर ही कोई आपकी निजी जिंदगी में दखल दे सकता है। वीडियो शेयर आप करिए, लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये जानना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, नमस्कार।